नमस्कार दोस्तों, एसके ठाकुर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष, एसके ठाकुर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप फ्री में पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो फ्री सर्विसेज है, ये जो लिमिटेड पीरियड के लिए है और इंडिविजुअल यूजर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है। तो दोस्तों, इसके बारे में फुल डिटेल जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है incometaxindiafilling.gov.in, ये इसमें हम होम पेज पे हैं। और जब आप इसको लिंक पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये इस तरह का आपको विंडो आएगा। ये जो वेबसाइट है हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे, आप वहाँ पे जाके भी ये क्लिक करके ये आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें ओपन करेंगे तो इस तरह का एक पॉपअप विंडो आएगा, इसको आपको क्लोज कर लेना है। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे दिया गया है इंस्टेंट ई पैन न्यू, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको एक नया विंडो पे ओपन करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है। देखिए, दिस फैसिलिटी इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट पे ई पैन कार्ड मिलेगा और ये आधार होल्डर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो फ्री रिक्वेस्ट दिया गया है, यहाँ पे आपको जो फिर चार जो पॉइंट दिया गया है, अगर आपके पास पहले से ही पैन कार्ड है तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। फिर जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, जो ये फैसिलिटी अगर एक व्यक्ति विशेष के लिए है और कोई भी हॉब्स या फार्म्स या कंपनी के लिए नहीं है, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में, जो आपका आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो चौथा पॉइंट है, आपका जो ई पैन आपको जनरेट होगा, आपकी आधार से आपका जो OTP बेस का वेरिफिकेशन होगा वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, मोबाइल नंबर, ये करेक्ट होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे अप्लाई एंड इंस्टेंट ई पैन पे क्लिक करना है, ठीक है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक गाइडलाइंस वाला, ये जो गाइडलाइंस आ गया है कुछ, यहाँ पे जो दिया गया है नेम आस इन आधार, तो आपकी जो आधार पे नाम है कैसा है और आप किस तरह से फिल करना है, आपका जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और ये जो ई पैन जनरेट होगा आपकी आधार बेस्ड डाटा से होगा, जैसा कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है। और ये जो ई के प्रोसेस होगा फुल्ली OTP प्रोसेस होगा। और यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेपर पे आपको एक सिग्नेचर करना है आपका, और आपको 200 DPI पे आपको स्कैन करना है और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसका जो मैक्सिमम साइज है 10 KB के अंदर होना चाहिए और इसका डायमेंशन दिया गया है 2x4.5 cm, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे और नीचे आएंगे तो और कुछ इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और आफ्टर सक्सेसफुल आप 15 डिजिट का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर पा जाएंगे और आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि उमाहसर भट्ट नाम के एक फेसबुक यूजर है, जो फेसबुक पे एक पेज है CHC कॉमन सर्विस सेंटर, उसी पेज पे वो दावा किया है कि विद इन 5 मिनट के अंदर वो ई पैन कार्ड जनरेट करके वो PVC कार्ड पे प्रिंट करके कस्टमर को दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधार ई KYC प्रोसेस आ जाता है। आपको यहाँ पे आपका जो टाइटल है आपको चूज करना है, ठीक है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम देना है, फिर आपका मिडिल नेम देना है, फिर आपका लास्ट नेम देना है। फिर देखिए दोस्तों, आपका जो फुल नेम यहाँ पे आ जाएगा, किस तरह से आपका जो पैन कार्ड में प्रिंटेड आएगा उसी तरह का आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, फिर आपको मेल, फीमेल, जेंडर, आपको जो जेंडर देना है वो दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर देना है, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ पे आप आधार नंबर देंगे और यहाँ पे जो एक डिक्लेरेशन दिया गया है कि ऊपर लिखित जो आप दिए हैं आप वो सही है, ठीक है। देने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक OTP आ जाएगा, जो आपका आधार पे जो लिंक हुआ है वो मोबाइल पे एक OTP आएगा। उसी OTP को आप जब सबमिट करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट बटन आएगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपका सिग्नेचर जो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको ये पान जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ ही समय बाद आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।